हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज निकिश त्यागी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश. स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल ऑफ द हिंदू, मींस एडिटोरियल की मैं बात करने वाला हूँ. और ये जो एडिटोरियल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आज का जो एडिटोरियल की बात कर रहा हूँ, ये जो एडिटोरियल लिखा है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन ने लिखा है, जो पहले एनसीईआरटी के क्या रहे हैं बच्चों, चेयरमैन रहे हैं. तो देखिए, कहीं ना कहीं स्कूल के बारे में आज जो बात करने वाला है, ओके, और स्कूल के बारे में क्या बात करने वाला है, लास्ट तक हम लोग वीडियो को देखना और चीजें बहुत ही क्लियर चीजें समझ में आएगी कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन इंडिया. एक्चुअली एक्चुअली कंडीशंस क्या हैं इंडिया के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों, तो जरा देखेंगे. दूसरा एक बात और बता दूं आप लोगों को, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, भाई वीडियो को लास्ट तक देखा करें, चीजें क्लियर हो जाएंगी. अगर लास्ट तक देखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी. तो आइए देखिए, देखते क्या है. और भाई अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और भैया सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल को, और थोड़ा अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करें भैया. देखिए क्या है, स्कूल्स विदाउट फ्रीडम कह रहे. देखिए आज कहीं ना कहीं बात करा है कि जो स्कूल्स हैं वो बिना फ्रीडम के हैं. बिना फ्रीडम की क्या बात कर रहा है कि स्कूल्स विदाउट फ्रीडम, वो बिना फ्रीडम के होने चाहिए या बिना फ्रीडम के है. ये तो आज उसने टाइटल दिया है कि स्कूल्स क्या है, स्कूल्स विदाउट फ्रीडम. स्कूल्स विदाउट फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि स्कूल्स बिना फ्रीडम के होने चाहिए, उन्हें कुछ फ्रीडम देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, या उनके पास ऑलरेडी पहले से कोई फ्रीडम है या नहीं है, इसके बारे में बात कर रहे हैं. आइए देखते हैं. देखिए पहला सेंटेंस उसने कंडीशनल का लिखा है. स्टूडेंट्स अगर लास्ट तक जुड़ेंगे तो वोकैब का भी एक एक पार्ट क्लियर करूंगा, पूरा ग्रामर के अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ाऊंगा. तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और चीजों को समझना है बहुत अच्छे से. यहां पर मैं सारी वोकैब आपकी क्लियर करता हूं और बच्चे ग्रामर का जितना भी पोर्शंस है, जितने भी चीजें हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है भाई, ग्रामर में जो एरर आ सकती है वो भी मैं यहां पर डिस्कस करता हूं. देखिए इफ, देखिए पहले ही अगर कंडीशनल आ गया, इफ दे हैड, बच्चे पास इनफिनिटिव का सेंटेंस है अगर आप देख रहे हैं. If they had some autonomy, दे मतलब बच्चों स्कूल्स की बात करें कि जो हमारे यहां पर इंडिया के जो स्कूल्स हैं, अगर वो क्या रखते हैं, उनके पास थोड़ी सी ऑटोनोमी हो. ऑटोनोमी मतलब खुद की पावर हो, खुद की अगर उनके पास पावर होगी, अगर वो खुद की पावर उनके पास होती, भाई कह रहा है कि उनको अगर खुद की पावर दे दी जाती कुछ लेवल्स पर, सम कह रहा है बच्चों, पूरी तरीके से नहीं बोल रहा है कि सम ऑटोनोमी होती, मतलब कुछ अपने लेवल पर काम कर सकें. तो मैनी विलेज स्कूल, कि बहुत सारे जो गाँव के स्कूल हैं, वुड हैव फाउंड लोकल कंडीशंस, लोकल कंडीशन नाउ गुड एनफ टू अलाउ चिल्ड्रन टू स्टडी. कह रहा है कि अगर उनके पास खुद की कुछ पावर होती तो बहुत सारे गांव के जो विलेज हैं वो अपना लोकल कंडीशन वो स्थापित कर लेते हैं, मतलब कुछ ऐसी अपने अकॉर्डिंग अपने बिहाफ पर लोकल कंडीशंस जनरेट कर लेते, लोकल कंडीशन स्टेबलेट कर लेते, जिससे क्या होता कि वो बच्चों को स्टडी जो है वो अलाउ कर देते, मतलब उनके लिए अच्छा होता अगर उनको खुद की ऑटोनॉमी मिली होती. तो गांव के जो कुछ स्कूल्स हैं तो क्या होता, वो खुद ऐसा लोकल कंडीशन क्रिएट कर लेते जिससे वो बच्चों को भाई अच्छी स्टडी एनफ नॉलेज दे सकें. मतलब क्या है कि भाई स्कूल के, स्कूल कॉलेजों के पास क्या है भाई, अच्छे से उनको सारी ऑटोनॉमी नहीं दी गई है. अगर कुछ मामले में ऑटोनॉमी मिल जाती तो वो कुछ लोकल कंडीशन ऐसी बना लेते, खुद के बिहाव पे कुछ चीजें ऐसी चेंज कर लेते जिससे कि वो बच्चों को क्या कर सके, स्टडी एक अच्छे एजुकेशन दे सके, अलाउ कर सके बच्चों को क्या, स्टडी के बच्चे स्टडी कर सके. भाई आप देख रहे हैं इस समय जो कोरोना आया हुआ है, इसकी वजह से स्टडी बिल्कुल जो है अफेक्ट हो गई है, बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुई है. बच्चों के कॉलेज नहीं खुल रहे हैं. कह रहा अगर खुद कुछ पावर होती उनके पास तो वो खुद अपने आप से हैंडल कर लेते, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई स्कूल कॉलेज जो है ऊपर बैठे हुए लोग चला रहे हैं, है ना. तो अपने 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 हिसाब से वो देख लेते कि चीजें क्या ठीक हो सकती हैं, कैसे बच्चों को स्टडी करा सकते हैं वो. क्योंकि आप देख रहे हैं कई महीने से स्कूल बंद है तो बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं. अब ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है तो वो कुछ हो ही नहीं रही, ऊपर से सब गाइडलाइंस मिल रही है, है ना. तो आइए देखते हैं, कहीं ना कहीं बात की है तो मेरी बात देखिए. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर हेड आया हुआ है. तो बच्चों आगे वाला सेंटेंस देखिए, ये पास इन द फीट हुआ तो आगे वाला क्या है बच्चों, वुड हैव में है. वुड हैव किसमें, थर्ड फॉर्म में. वुड हैव फाउंड, बच्चे फाइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म, फाइंड फाउंड फाउंड होता है, ठीक है. कह रहा है कि गुड एनफ, कि उनके पास थोड़ा सा अच्छी कंडीशन हो जाती अगर वो खुद से कर लेते और उनको अलाउ कर दिया जाता कि बच्चों को क्या करें भाई, स्टडी अलाउ करें, ठीक है. लेकिन उनके पास ऑटोनॉमी है ही नहीं भाई, सब कुछ ऊपर से चल रहा है. तो मेरी बात समझ में आ गई. अगर बच्चों इफ से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो सेकंड वाला हम लोग वुड हैव थर्ड फॉर्म में या कुड हैव थर्ड फॉर्म में भी लेकर जाते हैं. तो यहां पर बात क्लियर होगी कि वो ये चीज कर पाते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है.
इफ अ स्कूल नीड्स रिपेयर, देखिए क्या कह रहा है, सॉरी इफ ए हाउस, सॉरी स्कूल नहीं, अगर एक हाउस को जरूरत होती है, नीड्स होती है किसकी, रिपेयर्स की, भाई मरम्मत की आवश्यकता है, भाई कोई हाउस है अगर उसे मरम्मत करने की जरूरत है और जो मरम्मत है आर डिलेड, अगर वो डिले कर दी जाए, भाई मरम्मत ही ना कराएं घर को तो क्या होगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से आप उसको मरम्मत ही ना कराओ, घर की छत खराब हो रही है या दीवारें खराब हो रही है, अगर आप उसकी मरम्मत ही नहीं करेंगे, रिपेयर से नहीं कराएंगे काफी लंबे समय से, तो क्या होगा, जो हाउस डेवलप्स ए फोर्स टू हॉन्ट इट्स इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट्स मतलब वहां उस हाउस के रहने वाले जो लोग हैं, जो निवासी हैं, जो वहां पर रेजिडेंस कर किया हुआ है, कह रहा है कि अगर घर को आप मरम्मत ही नहीं कराओगे तो क्या करेगा, हाउस भैया डेवलप्स ए फोर्स, भाई वहां पर ऐसी चीजें एक फोर्स को डेवलप करेगा कि जिससे क्या हो जाएगा, हॉन्ट हो जाएंगे कौन वहां के रहने वाले, मतलब अगर घर को रिपेयर नहीं कराओगे तो हाउस क्या करेगा भैया, वो शिकार कर सकता है किन का, भाई वो उसके शिकार हो सकते हैं कौन वहां में जो निवास करते हैं, भाई हो सकता है उसकी छत गिर जाए और लोग वहां पर क्या है, जो भी लोग इनहेबिटेंट्स मतलब वहां के जो निवासी हैं वो मर जाए, और ड्यूरिंग एडवर्सिटी, एडवर्सिटी सब लोग समझ गए होंगे, जैसे भाई जो भी आपदा आ रही है, जैसे बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, जैसे आप लोग आज की डेट में आज देख भी रहे हैं, कह रहा है कि अगर घर को मरम्मत ही नहीं करोगे काफी लंबे समय से, उसे मरम्मत पे काफी टाइम हो जाएगा, तो घर क्या करेगा भाई, उन्हीं लोगों को खा जाएगा ना, किन लोगों को, डेवलप्स ए फोर्स टू हॉन्ट, भाई उन्हीं का शिकार कर लेगा जो लोग वहां पर इनहेबिटेंट्स है इसके, देखिए इट्स मतलब जो हाउस की बात कर रहा है, इसके जो इनहेबिटेंट्स है, इसके जो निवासी हैं, भैया जब भी कोई दिक्कत आएगी, भाई कोई भी आपदा आएगी, बारिश आएगी, तो बारिश की वजह से क्या होगा भाई, घर जो है उन्हीं लोगों पर गिर जाएगा, तो उसकी वजह से उन्हीं का शिकार कर लेगा जो लोग वहां पर रहते हैं, अक्सर आप लोग देख भी रहे हैं आजकल बारिश वगैरह ज्यादा जो हो रही है, आप देखते हैं मकान की छत गिर गई है ना, दीवार गिर गई है, तो लोग उसमें मर जाते हैं ना, तो कह रहा है कि भाई अगर रिपेयर नहीं करोगे, अगर चीजों को ठीक नहीं करोगे तो भैया वो चीजें तुम्हें ही खा जाएंगी, बोल रहा है, जैसा घर जो है भाई छत गिर जाती है, आप लोग सुनते हैं कि भाई छत गिर गए, लोग इतने मर गए हैं, तो कह रहे रिपेयर नहीं किया था काफी समय से, एडवर्सिटी मतलब बच्चों कैलेमिटी, आफत, जो भी प्राकृतिक आपदा, जो तूफान आ जाता है, बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो आई होप सो बात क्लियर हो, कह रहा है कि यही चीजें, देखिए क्या कह रहा है, दिस एनोलॉजी, तो यही चीजें सेम एनोलॉजी मतलब यही सिमिलरिटी बनी हुई है अप्लाइज टू द स्टेट ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन, कह रहा है जो स्टेट के बच्चे हैं यही सेम चीजें अप्लाई हो रही है उनके एजुकेशन पर, क्योंकि चीजें क्या है भाई, हमने स्कूल को अच्छे से मॉडिफाई नहीं किया, जो जरूरतें थी उनको हमने ऑटोनोमी नहीं दी है भाई, खुद से वो चीजों को ठीक कर सकें, खुद से वो अपने बिहाफ पे भी एजुकेशन दे सकें, तो हमने चीजें उनके हाथ में छोड़ी नहीं है, है ना, उनको रिपेयर ही नहीं किया हम लोगों ने, जैसे भाई कोरोना आ रहा है तो बच्चे स्टूडेंट्स परेशान है, भाई देखो सब लोग जानते हैं भाई सब जगह तो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि गांव वाला बच्चा है वो कहाँ ऑनलाइन एजुकेशन लेगा, है ना, तो भाई कहीं ना कहीं कह रहा है कि यही चीज, जैसे घर को हम लोग रिपेयर नहीं करते और घर फिर उन वो जो लोग हैं वहां पर जो उसके निवास हैं उसके जो निवासी हैं उन्हीं को शिकार कर लेता है, तो ऐसे ही भाई क्या हो रहा है बच्चों के एजुकेशन के साथ हो रहा है ना, यही चीज सेम बनी हुई है कि भाई उनका एजुकेशन ठीक मिल नहीं रही है, ठीक है ना, क्योंकि चीजें वहां पर ठीक नहीं हुई है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, डिसीजंस पर्टेनिंग टू इट एंड डिपेंडेंट ऑन स्ट्रक्चर डिजाइन टू ओवरलुक लोकल फैक्टर्स, देखो कितने अच्छी बात कह रहा है, जो डिसीजंस होते हैं किसको लेकर, स्कूल कॉलेज को लेकर डिसीजंस होते हैं वो भैया पर्टेनिंग हो रहे हैं, पर्टेनिंग मतलब वो मुनासिब होने चाहिए, पर्टेनिंग टू इट आर डिपेंडेंट ऑन स्ट्रक्चर, देखिए क्या कह रहा है, वो जो डिसीजन हो रहे हैं वो डिपेंडेंट है किस पर, वो स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहे हैं, मतलब भाई बिल्डिंग कैसी होगी, लैब कैसी होगी, हम ये तो कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, टू ओवरलुक लोकल फैक्टर्स, लेकिन जो लोकल फैक्टर्स है उनको हम लोग ओवरलुक कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, मतलब डिसीजन जो है वो मुनासिब लिए तो जा रहे हैं लेकिन किसको देखकर, आर डिपेंडेंट ऑन स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर को ले रहे हैं, भाई बिल्डिंग कैसी है, भाई हम बिल्डिंगों पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन जो लोकल फैक्टर्स है, एजुकेशन वहां पर क्या हो रही है, भाई टीचर की कितनी एबिलिटी है, टीचर कैसे है वहां पर, है ना, टीचर के अंदर एबिलिटी है या नहीं है, वो बच्चों को कैसे किस वे से वो पढ़ा रहा है, कि लोकल फैक्टर्स जो हैं वहां जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं है, बस बिल्डिंगों पे ध्यान दे रहे हैं, लैब्स पे ध्यान दे रहे हैं, कितनी हाईटेक बिल्डिंग है, देखो आजकल पर्सन का भी थोड़ा सा एक चेंज हो गया है कि हम देखते हैं भाई कितना अच्छा स्कूल बनाया है, हम लोग जो है उसके बिल्डिंग से इफेक्ट हो रहे हैं, आज के जो पेरेंट्स हैं वो बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, है ना, तो स्ट्रक्चर जो है जो पर्टेनिंग मतलब जो डिसीजन हो रहे हैं, मुनासिब जो डिसीजन हो रहे हैं, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो डिसीजन को डिसीजन लेने को जो बढ़ावा मिल रहा है उसको लेकर स्ट्रक्चर डिजाइंड है, वो स्ट्रक्चर को लेकर हो रहा है, समझ गया ना कि कॉलेज का स्ट्रक्चर क्या है भाई, लेकिन लोकल फैक्टर्स पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, दीज स्ट्रक्चर्स वर फोर्स टू इंश्योर, कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वर फोर्स्ड, वो एक तरह से एक डुप्लीकेट साबित हो रहे हैं और वो एक इंश्योर कर रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं, वर फोर्स्ड,
मतलब इन स्ट्रक्चर को वर्क फोर्स्ड उनको नकली बना दिया गया, मतलब स्ट्रक्चर बिल्कुल जो है ना एक तरह से डुप्लीकेट चीजें दिख रहे हैं, जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं है। कह रहा है ये इंश्योर कर रही है कि टोटल कंप्लायंस, कि भाई टोटल अनकम टोटल जो है कंप्लायंस है वहां पर, मतलब भाई जो स्ट्रक्चर है वो एकदम ये दिखा रही है कि भाई जो ये डिसीजन जो चल रहे हैं ना एकदम टोटल, मतलब चीजें एक एक बात करें तो एक डिजाइन के रूप से वो, मतलब जो इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं उसके अनुरूपता वो चीजें हैं। मतलब चीजें जो है ना एक वैसी टेक्नोलॉजी में तो हम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, लेकिन बच्चों की स्टडी हो रही है नहीं हो रही है तो एक एक अनुरूप बन रही है चीजें, मतलब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चीजें जा रही हैं, मतलब बिल्डिंग के अकॉर्डिंग चीजें बन रही हैं भाई, लैब से या नहीं है, पढ़ाई से मतलब नहीं है बच्चे। जो हाईटेक होता है टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है, कह रहा है कि नो मैटर हाउ वास्ट द सिस्टम, कि ये मैटर नहीं है कि कितना बड़ा हूज सिस्टम बनाया है, बस सिस्टम आप लोगों ने बहुत अच्छे से बना लिया है भाई, आप लोगों ने लैब बना ली है, आपने टेक्नोलॉजी अच्छी अच्छी लेकर आए हैं, आपने बिल्डिंग बड़े अच्छे बना लिया है, एकदम कलरफुल लैब बनाई है, कलरफुल स्कूल बनाया है, वहां पर जो है ना अच्छे अच्छे पौधे लगाए हैं, पेड़ पौधे लगाए हैं, कह रहा है वो चीजें तो एकदम अनुरूप हो रही है, लेकिन सिस्टम कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता, लेकिन क्या कह रहा है हाउ डाइवर्स रिमेन्ड, कि चीजें कितनी अलग हैं एंड द डिमांड सर्वाइव्ड। कह रहा है देखिए कि कितना बड़ा सिस्टम हो गया है और कितनी डाइवर्सिटी बन गई है, कितनी चीजें अलग हो गई हैं, लेकिन डिमांड सर्वाइव्ड, मतलब जो डिमांड्स आ रही हैं वो जो अलग अलग चीजें चीजें बिल्कुल एकदम अलग हो गई हैं, डिमांड सर्वाइव्ड, तो मतलब डिमांड्स जो दी जा रही है ना वो बिल्कुल एकदम अलग हो गई है भाई, वो क्या डिमांड्स बनी हुई है भाई, लेकिन जो एजुकेशन की डिमांड्स है वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है ये बात कर रहा है, कि रिमेन द डिमांड सर्वाइव्ड, इससे क्या जो है डिमांड पूरी हो रही है। डिसेंट्रलाइज वाज रूटीनली, कह रहा है डिसेंट्रलाइजेशन वाज रूटीनली, डिसेंट्रलाइज तो भाई रूटीन में है, फेवर्ड है, बट इट डज नॉट टच, लेकिन मतलब चीजों को हम डिसेंट्रलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहा है देखिए, इट एकदम कॉन्ट्राडिक्ट बोल रहा है, इट डिड नॉट टच द कोर एस्पेक्ट, क्या एजुकेशन की जो कोर एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट का मतलब समझ गए होंगे, जो एजुकेशन का, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, एजुकेशन का जो एक कोर पहलू है, क्या वो एक सिस्टम के थ्रू थ्रू है, एज ए सिस्टम, मतलब जो चीजें होनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, सही एजुकेशन क्या है भाई, जो टीचर है वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, वो टीचर को वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्या वो कोर एस्पेक्ट है, इसका तो पता नहीं है भैया, बोलो बात क्लियर नहीं क्लियर है यहाँ पर, बट इट डज नॉट, कह रहे हैं कि इसने कोर एस्पेक्ट को जन्म नहीं दिया, बस टेक्नोलॉजी से मतलब है, बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए ठीक है ना, इससे मतलब है, लेकिन क्या कोर एस्पेक्ट है नहीं है, भले कह रहे हैं कि ये कोर एस्पेक्ट नहीं है, कि एजुकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन का जो एस्पेक्ट है वो क्या होना चाहिए, पहलू क्या होना चाहिए, ये नहीं है, ये एज ए सिस्टम। आगे देखते हैं, कह रहा है क्रेविंग फॉर मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी, क्या यूनिटीज प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस द शार्पली डिवाइडेड सेगमेंट ऑफ अवर वास्ट नेटवर्क ऑफ स्कूल्स। देखिए कह रहा है कि जो बहुत बड़ा हमारा जो स्कूल का नेटवर्क्स है, क्रेविंग मतलब बच्चों जो तमन्ना है किसी, एक मॉडेस्ट अमाउंट ऑटोनॉमी, कह रहा है जो एक ऑटोनॉमी होना चाहिए, जो सब लोग सोचते हैं भाई, टीचर्स भी प्रिंसिपल्स भी, भाई टीचर प्रिंसिपल से तो सोचते हैं, उनकी जो तमन्ना है उनकी जो क्रेविंग है कि भाई उनको भी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, मतलब टीच प्रिंसिपल्स की और टीचर्स की अक्रॉस द शार्पली डिवाइडेड सेगमेंट, कह रहा है वो एक नेटवर्क, एक बहुत बड़े नेटवर्क का जो स्कूल है उसे एक डिवाइड तो किया गया है, जो क्रेविंग है जो भाई ऑटोनॉमी को लेकर किसके, प्रिंसिपल्स की और टीचर्स की, पूरा अक्रॉस द क्या स्कूल्स, उसको डिवाइड तो किया गया है भाई, भाई टीचर क्या सोचते हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी क्या ऑटोनॉमी है, वो एजुकेशन को लेकर वो क्या पढ़े लिखे हैं क्या नहीं है, कह रहा है फॉर दोज सर्विंग इन गवर्नमेंट रन, अब बात कर रहा है कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सर्व कर रहे हैं क्या गवर्नमेंट स्कूल्स की, जो गवर्नमेंट स्कूल्स को रन कर रहे हैं, देर इज नो प्रोविजन, की कोई प्रोविजन है ही नहीं उनके रूल बुक में, फ्रीडम ऑन एनी काउंट दैट मैटर्स, कह रहा है भैया कि टीचर और प्रिंसिपल कितने पढ़े लिखे हैं कि उनके लिए रूल बुक में कोई प्रोविजन नहीं है कि उनके पास भाई फ्रीडम ऑन एनी काउंट दैट मैटर्स सिंस द ब्रिटिश डेज, देखिए अब क्या बात कर रहा है कि भाई जो है ना वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, उनको क्या फ्रीडम है ना ऑन एनी काउंट दैट मैटर्स, कह रहा है ये मैटर्स ही नहीं करता कि भाई टीचर कितने पढ़े लिखे हैं और भैया प्रिंसिपल कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको जो लोग चला रहे हैं भैया, वो जो सोचते हैं उनके अकॉर्डिंग टीचर प्रिंसिपल्स को चलना होता है ठीक है ना, देर इज नो प्रोविजन, कोई प्रोविजन नहीं है फ्रीडम के लिए, किसके लिए, मतलब देखिए सिंपल सी बात करूं, जो टीचर है प्रिंसिपल है वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो कितनी एबिलिटी रखते हैं और बच्चों को क्या दे रहे हैं, कह रहे ये मैटर नहीं रखता, उनके ऊपर भी जो लोग बैठे हैं,
कह रहा है सिंस ब्रिटिश एज, कि ब्रिटिश एज से ये हो रहा है जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर क्या करते हैं हम लोगों पर रूल करते थे, कि जो ब्यूरोक्रेसी थी वी विच स्कूल फंक्शनरी विद द डीपेस्ट सस्पिशन। कह रहा है भैया जो ब्यूरोक्रेसी जो ऑफिसर्स लोग थे ब्रिटिश के, वो जो स्कूल फंक्शनरी करते थे, स्कूल को जो फंक्शंस में लेकर आते थे वो एक डीपेस्ट सस्पिशन से चलाते थे। मतलब देखो क्या भाई, जो ब्रिटिश लोग थे वो स्कूल्स में क्या पढ़ाते थे, वो ये पढ़ाते थे भाई क्या कि देयर कैपेसिटी एंड इंटीग्रिटी, कि मतलब उनकी जो कैपेसिटी और इंटीग्रिटी को लेकर बात थी ना, वो ये पढ़ाते थे स्कूल में भैया कि भैया जो ये लोग जो ब्रिटिश लोग आए हैं भैया इन्हीं के सबको इन्हीं के सामने सरेंडर करके रहना है, और उनका जो फंक्शन था वो डीपीएस सस्पिशन में चलता था। मतलब वो बहुत गहराई से चीजों को देखते थे कि भैया स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही, मतलब जो ब्रिटिश हैं ब्रिटिश शासन एकदम राइट है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी कैपेसिटी और इंटीग्रिटी स्कूल में पढ़ाते थे। मतलब यही चीज है भाई, जो उनका ही रूल्स मानना है, जो कैपेसिटी लोग हैं जो भाई सॉरी ये जो अंग्रेज लोग हैं और इन्हीं की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है और जो इन्हीं की इंटीग्रिटी में हमें रहना है। यार ये चीजें पहले से चली आ रही है भैया, कि जो आज के डेट में क्या हो, टीचर और जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर क्या, स्कूल के जो भाई डायरेक्टर हैं जो ओनर्स हैं जो उनको चला रहे हैं वो राज कर रहे हैं, है ना, प्राइवेट स्कूल्स में। सरकारी स्कूल में ऊपर से नीति बन के आ रही है ना, यार नो मैटर हाउ सीनियर यू आर, कि ये मैटर नहीं होता स्कूल में कॉलेज में कि भाई तुम कितने सीनियर हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितनी नॉलेज है। और मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या बात कर रहे हैं? आई होप सो चीजें क्लियर हो रही होंगी जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। कह रहा है नो मैटर हाउ सीनियर यू आर, कि तुम कितने मैटर हो लेकिन तुम्हें प्राइवेट स्कूल में क्या करना है भाई, जो उसके ओनर है उसके अकॉर्डिंग चलना है भाई, अपना दिमाग नहीं लगाना कि भाई वो चाहते हैं, लेकिन उनको क्या पता भाई नीचे क्या हो रहा है, कैसे स्कूल को रन करना है ना भाई। तो भाई बात समझ में आई होगी यहां तक, नो मैटर हाउ सीनियर यू आर दैट भाई क्या मैटर है ना। तो भैया कह रहे हैं कि यू सीनियर आर एंड योर जॉब इज टू साइलेंटली फॉलो, बस तुम्हारी जो जॉब है आप तो कितने सीनियर हो, बस तुम्हारी जो जॉब है ना वो साइलेंटली बस ऑर्डर्स को फॉलो करना रह गई है, एंड सब को इशूड बाय द डायरेक्टर्स एंड एग्जामिनेशन मोड। देखिए कि भाई जो एग्जामिनेशन मोड क्या है और जो क्या है डायरेक्टर है वहां के जो डायरेक्टर है जिसको रेगुलेशन कर रहे हैं, तो भाई उनके ऑर्डर्स को मानना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। कहां प्राइवेट स्कूल में ये हो रहा है और गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, भैया ऊपर से जो आ रहा है, लेकिन बेस लेवल पे भैया क्या काम होना चाहिए ये वो बात ही नहीं कर रहा है, कि बेस लेवल पर कैसे काम होगा इसकी किसी को फिक्र नहीं है, बस आपको रूल्स रेगुलेशन का पालन करना है कहां पर स्कूल्स में। ये भैया देखिए क्या बोल रहा है, इन प्राइवेट स्कूल्स, ये रहा प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा है, देखिए वहां पर गवर्नमेंट की बात की थी कि यू नोटिस एडिशनल, कि तुम लोग देखते होंगे कि एडिशनल प्लेयर्स हैं वहां पर हु कीप प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स अंडर ए फैट थंब, भाई वो अपने अंगूठे के अकॉर्डिंग अंडर ए फैट, मतलब एक उनका रूल ही मानना होगा किसको प्रिंसिपल्स को और किसको टीचर्स को, कहां पर प्राइवेट में, सरकारी में क्या हो रहा है भाई ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं और क्या करना है बस आपको फॉलो करना है, लेकिन ये नहीं पता ग्राउंड बेस पे क्या चीजें चल रही हैं। फोर स्कूल्स ओनर्स एंड मैनेजर्स, समझ गए ना, जो स्कूल के मैनेजर्स हैं और कौन है ओनर्स हैं भैया। द प्रोफेशनल्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड द टीचर्स काउंट फॉर लिटिल, और देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जो भैया प्रोफेशनल नॉलेज है और एक्सपीरियंस है प्रिंसिपल का एंड द टीचर्स का काउंट फॉर लिटिल, कि उनके पास है ही नहीं ना के बराबर है, कि भाई प्रोफेशनल चीजें कैसे ठीक होनी चाहिए, बस भैया वो तो प्राइवेट स्कूल में क्या कर रहे हैं जो वहां के ओनर हैं या फिर उसके डायरेक्टर हैं उनके अकॉर्डिंग चलना होता है। और क्या है कि मैनेजमेंट कमेटी एंड पेरेंट्स जनरली सपोर्ट द, कि जो मैनेजमेंट कमेटी है स्कूल की जो उसको चला रही है और जो पेरेंट्स हैं जनरली वो किसको सपोर्ट करते हैं भाई, रेजिमेंटेड अप्रोच ऑफ द डायरेक्टर एंड बोर्ड्स। रेजिमेंटेड मतलब भाई एक तरह से बस भाई जो मैनेजमेंट कमेटी बनी है और जो पेरेंट्स हैं जनरली वो तो सपोर्ट कर रहे हैं किसको, डायरेक्टर और बोर्ड्स को, क्या उनकी जो अनुशासित अप्रोच है उसको सपोर्ट करते हैं भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर अनुशासन किया है क्या नहीं, जो भी रूल्स कमेटी ने मैनेजमेंट कमेटी और पेरेंट्स, मैनेजमेंट कमेटी और पेरेंट्स जो जनरली सपोर्ट कर रहे हैं किसको, डायरेक्टर्स जो हैं और जो बोर्ड्स हैं भाई उनकी उन्होंने जो अनुशासित अप्रोच बनाई है उसी को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। पेरेंट्स को ही क्या पता भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस ये देखते हैं भाई वहां पर अनुशासन क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना भाई। तो भाई बात कर रहे हैं कि और क्या, इंडोर्समेंट ऑफ द स्कूल बेस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग हैज इन द फैशन, देखिए मैंने क्या कहा था, जो इंडोर्समेंट है स्कूल का वो बेस्ड कैपेसिटी है भाई, स्कूल की जो कैपेसिटी है उसी को समर्थन मिल रहा है भाई, वहां पर कितना अच्छा पैसा लगा, कितनी बिल्डिंग्स हैं, है ना, क्या एसी वेसी है या नहीं है, वो सब चीजों की बात कर रहा है। कह रहा है बिल्डिंग हैज बीन फैशन, की बिल्डिंग जो है फैशन फैशन में है, मैंने जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बट देयर रियलिटी हैज टेकन द अपोजिट, लेकिन जो रियलिटी है बिल्कुल अलग है, स्कूल में पढ़ाई होती है नहीं होती है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, कि अपोजिट डायरेक्शन है बिल्कुल। और ऑल मेजर प्रोसेस दैट इफेक्ट, कह रहे ये जो बहुत बड़ा जो प्रोसेस है वो अफेक्ट करता है, बुरा प्रभाव डालता है, सही बात तो ये किस पर,
life for at school have stayed firmly under centralized exercise of authority and exam boards have tightened their grip further. देखिए क्या बात कर रहा है कि जो all major process है वो effect कर रहा है life को और schools को, और ये जो at school have stayed firmly under centralized exercise, कह रहा है भैया कि ये बहुत जो firmly मतलब rigid तरीके से एक तरह से centralized access है and authority है और exam boards have tightened their grips. कह रहा है देखो सिंबल से अगर बात करूं भाई पढ़ाई क्या हो रही है इससे किसी को मतलब नहीं है, और कह रहा है कि जो centralized access है authority है और exam boards है have tightened their grip further. उन्होंने अपनी grip बनाई है आगे के लिए भाई बिल्डिंग से मतलब है कुल मिलाकर आज तक स्कूल के बारे में ये बोल रहा है कि फैशन में जो चीजें हैं फैशन दिख रहा है स्कूल में और कुछ नहीं चल रहा है, जिससे लाइफ स्कूल में बहुत बुरी तरीके से वो रुक गई है. मतलब बस चीजें पढ़ाई नहीं हो रही है बाकी सारी चीजें हो रही है. आप देखते हैं स्कूल में फालतू की जो एक्टिविटीज है वो बढ़ रही है जिनका कोई मतलब नहीं है भाई, बस लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है. फाइनली वो ये बात कर रहा है कि स्कूल्स में हैव स्टेड फर्मली की चीजें रुक गए हैं बिल्कुल, और अंडर सेंट्रलाइज एक्साइज. किसके अंडर है भाई? सेंट्रलाइज एक्साइज जो है और ऑथोरिटी जो वहां का है, ऑथोरिटी ऑफ सेंट्रल एक्साइज है, और एग्जाम बोर्ड्स हैव टाइटन, और एग्जाम बोर्ड्स ने उन पर एक ग्रिप बनाई हुई, अपनी पकड़ बनाई है, एक जो है ना आगे के लिए उन पर एक एग्जाम बोर्ड्स ने ग्रिप तो बनाई हुई है, लेकिन चीजें ये नहीं हो रही कि भाई स्कूल में एजुकेशन क्या है. एजुकेशन से मतलब नहीं है बस चीजें जो है ना भैया हवा में क्या चीजें चल रही हैं, कितनी भैया वहां पर जो है ना एक्टिविटीज आप देखते हैं कि भाई स्कूल प्राइवेट स्कूल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर तो भाई सब लोग देखते हैं कि बच्चे से इतनी फीस वसूल ली जाती है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और जो एक्टिविटीज हैं फालतू की हो रही है. तो भैया कह रहा है कि फालतू की जो एजुकेशन है इंडिया के अंदर, अगर आप लोग आगे का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आगे का भी थोड़ा सा पढ़िएगा, उसमें बहुत अच्छा बताया कि इसके बीच में क्या आ गया, कोविड आ गया, कोविड की वजह से बिल्कुल लाइफ जो है अगले पैराग्राफ में कोविड की वजह से बिल्कुल एकदम रोक लग गई है. किस पर? एजुकेशन पे. तो आगे का पैराग्राफ भाई थोड़ा सा पढ़ा करें, मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है तो मैंने आज इतना ही पढ़ाया हुआ है. एंडोर्समेंट बच्चों समर्थन होता है, सपोर्ट होता है. देखो मैं मीनिंग भी बता देता हूँ साथ साथ आप लोगों को. टाइटन मतलब कसना एकदम चीजों पर, ग्रिप बना लिया एग्जाम बोर्ड्स ने, है ना. लेकिन ये नहीं है कि पढ़ाई कैसे हो रही है, उनकी पढ़ाई ठीक हो रही है, ये नहीं हो रही है. बस फैट थंब बच्चों रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है भाई. फैट थंब है मैंने कहा बस ये रूल बन गया है, अंगूठा बन गया, एक नियम बन गया है ना, उसी नियम के अकॉर्डिंग जो है प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स जो है प्रिंसिपल काम कर रहे हैं चुपचाप बिना बोले काम कर रहे हैं. नॉलेज उनके पास कितनी है कितनी है इसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना. वो क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं है, कैसे कन्वे करते हैं अपनी नॉलेज को, इसका कोई मतलब है नहीं. आई होप सो स्टूडेंट्स चीजें क्लियर हुई होंगी. तो कल मिलता हूं भैया, अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दिया करें. ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू.